हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। दोस्तों आज आपका जो क्लास टेंथ का अलजेब्रा का चैप्टर फर्स्ट है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 12 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर दोस्तों ये लास्ट वीडियो आप देख लेते हो दोस्तों, बोलता हूँ 100% आपका 12 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। बस यही पूरा वीडियो अगर लास्ट तक देखते हो, अगर जिस स्टूडेंट को ऐसा लगता है नहीं सर मेरे को नहीं चाहिए 12 मार्क्स, तो कोई बात नहीं, अभी से वीडियो स्किप कर सकता है। बट अगर दोस्तों आपको चाहिए कि 12 मार्क्स 2024 में बोर्ड एग्जाम में पहले चैप्टर से आपका एक भी मार्क्स न छूटे दोस्तों, तो वीडियो आपको पूरा क्या करना, लास्ट तक देखना। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, क्लास टेंथ का ऑलरेडी एसडी टेक चैनल पे हर वीडियो बना हुआ, बट वापस से आज जो मैथ वन अलजेब्रा का चैप्टर फर्स्ट क्लास टेंथ का पहला क्या है, चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अपना टेक्स्ट बुक ओपन साथ में करके रखना दोस्तों, एक एक चीज। नाइन्थ में आप पांचों चैप्टर पढ़े हो, इसके लिए ज्यादा बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों देखोगे आपके पेज नंबर 2 पे आपको क्वेश्चन फर्स्ट दिया है सॉल्व एग्जाम्पल, बट सॉल्व एग्जाम्पल ऑलरेडी हुआ है। अगर आप कमेंट करोगे नहीं सर आप सॉल्व एग्जाम्पल का भी वीडियो बनाओ, तो सॉल्व एग्जाम्पल का बनाऊंगा, प्रॉब्लम सेट का भी बनाऊंगा दोस्तों, बट आज मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। तो जैसे कि सबसे पहला हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है, क्वेश्चन फर्स्ट जो दिया वे एक्टिविटी फॉर्म में दिया, उसको नहीं कराऊंगा, एकदम सिंपल। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रैक्टिस सेट का ध्यान से देखना दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट 1.1 का अगर ये पूरा लास्ट तक बार बार बोल रहा हूँ वीडियो देखोगे, तो आपका हर एक चीज जितना है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पहला चैप्टर पूरा। अब इसमें 1.1 में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3a + 5b इज इक्वल टू 26। अब इसके बाद क्या दिया है, a + 5b इज इक्वल टू 22, यही दिया गया। अब इसको हम लोग को क्या करना है, एकदम सिंपल, ये हम लोग के पेपर में शायद दोस्तों आपको पूछा जाए, मैं बोलता हूँ बार बार ये पेपर में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले जैसा ये क्वेश्चन दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक भी मार्क्स ना कटे हमारा, इसके लिए दोस्तों बोल रहा हूँ आपको पूरा बेसिक्स आना चाहिए। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब डालेंगे तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 3a + 5b इक्वल 22, 26 कितना, 26। एक क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला क्या दिया, a + 5b इक्वल 22, एक क्वेश्चन क्या हो गया, सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप ध्यान से एकदम देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये दोनों को हम लोग को क्या करना है, ध्यान से। अब इसमें क्या करना रहता है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो हम लोग को अगर सॉल्व करने के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोलता है, तो हमको क्या करना है, जो वेरिएबल ए के सामने का नंबर या तो उसको सेम करो, या तो जो बी के सामने है उसको सेम करो। क्या करो, या तो ए के सामने वाले को सेम करो नंबर को, या तो बी के सामने वाले को सेम करो। अगर बी के सामने देखो सेम है और एक स्टूडेंट में डाउट आता है, सर मैं तो सेम कर लेता हूँ कोई बात नहीं सर, बट मेरे एक तकलीफ सबसे बड़ा है, क्या है कि ये माइनस प्लस कब करते, हमको यही नहीं आ रहा है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, तो ये दोनों देखो जो सेम होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, जब जो सेम होगा अगर दोनों प्लस में रहता है, जो सेम होगा उसके साइन आगे का जो साइन है दोनों प्लस में रहता है तो भी प्लस करते, अगर दोनों माइनस में रहता है तो भी क्या करते, प्लस करते, सॉरी दोनों सेम रहता है और प्लस है तो भी माइनस करेंगे, अगर दोनों सेम है और माइनस में तो भी माइनस करेंगे, अगर एक भी अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, एनी टाइम प्लस करेंगे। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दोनों सेम है और दोनों क्या है प्लस में, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को किसमें से, सेकंड में। देखो दोनों सेम है, दोनों का आगे प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, या तो दोनों सेम रहता है दोनों का आगे माइनस रहता तो भी माइनस करते, बस इतना याद रखना। तो अभी क्या करेंगे, फ्रॉम सेकंड, तो पहले सेकंड को लिख लो, हो गया। अब इसको हम लोग को लिख लो 3a + 5b 26, क्या करो, माइनस 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 कर दो। अब देखो इसमें से अगर इस साइड से ही करो, ए में से इसमें से नहीं जाएगा, ए में से 3 है तो कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, इधर से जाएगा कितना बचेगा, माइनस 4 कट जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना, 2 2 जा 4, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस से कट गया, ए का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, ए का वैल्यू हम लोग 2 किस में भी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में रख दो आ जाए, जो सिंपल दिखे, पुटिंग ए इक्वल टू 2 इक्वेशन सेकंड, किस में रख देता हूँ, सेकंड में रख देता हूँ, इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है, a + 5b इक्वल 22, ए का वैल्यू कितना आया, 2, 2 + 5b इक्वल 22,
टू साइड जाएगा तो 5 भी इक्वल 20, 2 में से 2 गया तो 20, और डिवाइड करोगे तो इनटू में टू साइड जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4, 5 4 जा 20, तो आप आंसर में लिख सकते हो लास्ट में क्या हमारा ए कॉमा बी, ए का वैल्यू कितना आया 2 आया और बी का वैल्यू कितना है 4। दोस्तों ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो गया। हम लोग को जो भी इक्वेशन सॉल्व करना उसका जो वेरिएबल है ए और बी का वैल्यू फाइंड करना रहेगा, तो आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसी हिसाब से आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन सेकंड भी सेम टू सेम है, क्वेश्चन सेकंड भी सेम है, थर्ड भी सेम है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपको पूरा कराऊंगा। इसके लिए देखो सेकंड भी सेम है, थर्ड भी सेम है, फोर्थ भी सेम है, फिफ्थ वाला भी है एक ही जैसा है, लेकिन मैं एक फिफ्थ का करा देता हूँ। फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ आपको करना है, फिफ्थ वाला करा दे रहा हूँ, और उसके बाद उसमें एक स्टूडेंट को डाउट आएगा सर बता रहा हूँ अभी, बस इसको क्या करना आपको फटाफट मेरे साथ में लिखते जाना है, बाकी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे इसमें का देखो बाकी सब सेम टू सेम है, फिफ्थ वाला भी है, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, 5x + 2y = -3, और दूसरा हम लोग को क्या दिया x + 5y = 4। तो आपको क्या करना है ध्यान से देखना, 5x + 2y = -3 यही है इक्वेशन फर्स्ट जब सॉल्व करोगे, और दूसरा हमारा क्या है x + 5y = 4, ये इक्वेशन सेकंड फर्स्ट सेकंड हो गया। अब क्या करना है इसमें, ना तो x के सामने सेम है ना तो y के सामने सेम है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसको ध्यान से देखना, तो हम लोग क्या करेंगे या तो 5 से इंटू इसमें कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। अगर आप बोलो सर y को सेम करना तो 5 का इंटू इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे तो यहाँ पर कुछ आएगा 5 2 10, और फिर 2 से इक्वेशन सेकंड में करना पड़ेगा तब यहाँ पर आएगा 10। बट मैं क्या बोलता हूँ अगर हम लोग को ऐसा दिखता है एक के आगे कुछ नहीं दिया तो इस 5 से इस क्वेश्चन सेकंड में इंटू कर दो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन किसमें सेकंड में बाय कितने से 5 से, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें इक्वेशन सेकंड में बाय कितने से 5 से, 5 से करोगे कितना हो जाएगा 5x + 5y = 25y, 5 4 = 20, इक्वेशन नया बन जाएगा थर्ड। आपका कौन सा इक्वेशन आ गया इक्वेशन थर्ड आ गया। अब इक्वेशन थर्ड में अगर आप देखो फर्स्ट वाला और आपका थर्ड वाला दोनों क्या हो गया x का टर्म सेम हो गया दोनों प्लस में, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन इक्वेशन थर्ड थर्ड को हम लोग फ्रॉम किसमें से फर्स्ट में से, थर्ड को हम फर्स्ट में से कर सकते हैं या तो फर्स्ट को फ्रॉम किसमें से कर दो थर्ड में से, तो ऐसा करना है तो जो फ्रॉम लगा देते हो तो जो बाद में रहता है उसको पहले लिखते हैं, मीन्स 5x + 25y = 20, फर्स्ट वाला हमारा क्या है 5x + 2y = -3, माइनस 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 तो ये माइनस से माइनस से प्लस, अभी देखो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा 25 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 23, और इधर देखो प्लस हो गया तो 23, तो आप ध्यान से देख सकते हो y = कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा y का वैल्यू 1। अब हम लोग को क्या करना पुट कर देना इस y का वैल्यू जो 1 आया इस इक्वेशन 5 सेकंड या थर्ड किस में भी रख सकते हो, हम लोग क्या कर सकते पुटिंग y = 1, जो y = 1 आया किसमें इक्वेशन किसमें रखे जो सिंपल सेकंड में रख देते किसमें सेकंड में, तो अपना सेकंड क्या है x + 5y = 4, तो किसका y का वैल्यू रख रहे तो x + 5 × 1 = 4, तो 5 बन जाए x + 5 = 4, उस साइड जाएगा तो x = 4 - 5, तो x = -1, ये क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आंसर में आप लिख सकते हो x, y का वैल्यू -1, y का वैल्यू कितना है 1 आया, दूसरे आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी कंप्लीट हो गया। मैं आपको बता दिया दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया फर्स्ट वाला फिफ्थ वाला, अब इसी हिसाब से सिक्स वाले का मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन अपॉन में दिया स्टूडेंट डर जाते हैं, बट क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक जैसा क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, तो इसको आप लिख ले रहोगे रब कर देता हूँ। बस आपको क्या करना है ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ उसको देखते जाना है, आपका पूरा प्रैक्टिस करते जा रहे हो ना दोस्तों, बोलता हूँ ना पूरा प्रैक्टिस सेट 1.1, हर एक क्वेश्चन पहला चैप्टर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा आज पूरा, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहो। अभी इसमें क्या है जैसे कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ,
बट आप ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ, 1/3x + y = 10/3 ये दे दिया। और दूसरा हम लोग अभी इसको हम लोग कैसे करें, देखो ये अपॉन में दे दिया तो हम लोग को क्या करना है, नीचे क्या हमारे 3 दिया, 3 दिया डिवाइड में, तो हम लोग को क्या कर देना मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे इक्वेशन, अगर ये आपका फर्स्ट है इक्वेशन पर मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय कितने से 3, इक्वेशन फर्स्ट में आप 3 से इंटू कर दोगे तो अगर 1/3 है ये x है इसमें इंटू हो जाएगा 3 से प्लस 3y, इसमें इंटू होगा तो 3y और 3 से इंटू हो जाएगा 10/3, तो ये 3 3 से कट गया, ये 3 3 से कट गया, क्या बचेगा x प्लस 3y इक्वल 10, ये नया इक्वेशन बन गया आपका सेकंड हो गया। अभी आपको यह सेकंड हो गया, अब इसके बाद एक और आपको दिया, क्या दिया है 2x + 1/4y = 11/4, इसमें अगर देखोगे तो 4 दिया है तो हम लोग को जैसे यहां पर मल्टीप्लाई 3 से किए थे इसमें किससे करेंगे 4 से। अभी हमारा नया इक्वेशन थर्ड है, क्या हुआ देखो अभी फर्स्ट हो गया तो उसको मैं सॉल्व किया तो हम लोग का बन गया, अभी हम लोग का क्या है थर्ड है तो इसमें हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड में बाय कितने से 4 से, 4 से करोगे तो 4 2 जा 8x, यहाँ 4 से कट जाएगा तो y, यहाँ कट जाएगा 11, ये नया इक्वेशन बनेगा 4। आपको अब क्या करना है, ये देखो इससे इससे ये दो नया इक्वेशन बन गया सेकेंड वाला और फोर्थ वाला। आप ध्यान से देखो अभी इससे पहले जो आप सॉल्व किए या तो आप यहाँ इंटू करो 8 से तो सेम होगा, 3 से इंटू इक्वेशन फोर्थ में करोगे तो ये वाला सेम होगा, जो भी करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपका आंसर सेम टू सेम आएगा, कोई टेंशन नहीं। बस आपको क्या करना, जब ऐसा क्वेश्चन हम लोग को 1.1 में बस एक ही ऐसा क्वेश्चन नंबर 6 से ही दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा है, बाकी सब सेम टू सेम दिया है, 7 और 8 एक जैसा है, एक करा दे रहा हूँ वे भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना था, बस इसमें डिवाइड था तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना था इक्वेशन फर्स्ट में बाय 3 से, आप ऐसा भी लिख सकते हो एक ही साथ में फर्स्ट सेकंड दोनों इक्वेशन लिख दिया और उसमें कर दो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में बाय 3 से एंड इक्वेशन सेकंड में 4 से, अब दोनों में कैंसिल होकर बस ऐसा इक्वेशन आपको दोनों मिल जाएगा, वे दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप अच्छे से कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन आप कर लोगे, इसके आगे का करा रहा हूँ, इसको रब कर देता हूँ। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है बस देख लिए वीडियो हो गया मेरे को सब आ गया, नहीं एक बार आप करो, आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट करना, बट दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ पूरा वीडियो देखोगे तो ही समझ में आएगा। अब जैसे कि इसमें हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 वाला ही करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, 99x + 101y = 499, ये दिया है इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा हम लोग को क्या दिया 49 नहीं 101x + 99y = 501, एक क्वेश्चन सेकंड दिया। अब ध्यान से देखोगे यही है, अभी अगर इस क्वेश्चन को देखो अभी तक में हम लोग 6 क्वेश्चन किए, 6 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में करा दिया, बाकी आपको बोल रहा हूँ सब सेम टू सेम, बट इसमें इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, इसमें ऐसा है ना देखो यस से सामने जो नंबर दिया वही सेकंड वाले इक्वेशन में वाई के सामने दिया, और फर्स्ट वाले में जो वाई के सामने दिया वही यस से इक्वल टू के उस साइड नहीं जाने की जरूरत, इक्वल के पहले आप देखोगे जो इक्वेशन यस से सामने दिया वही वाई के सामने दिया, जो वाई के सामने वही यस, तो हम लोग को क्या करना रहता है ऐसे क्वेश्चन में एक बार प्लस करना रहता है, एक बार क्या करना रहता है माइनस करना रहता है, प्लस करोगे नया इक्वेशन बनेगा, माइनस करोगे नया इक्वेशन बनेगा, वे दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू मिलेगा। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं बस इसको ऐड कर लो, एडिंग इक्वेशन कुछ भी साइन रहे कोई मैटर नहीं करता, बस आपको यही देखना है इसके आगे जो दिया है यहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर, तो आपको क्या करना ऐड करना इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आपका फर्स्ट सेकेंड को आप ऐड कर लोगे तो डायरेक्ट अगर कर ऐसा लिख लो 99x + 101y = 499,
101x प्लस 99y इक्वल 501 प्लस कर रहे हो, क्या हो जाएगा 9110 टू 200x प्लस 200y इक्वल 0010। अब इसमें देखोगे x के सामने जो इधर पे रहेगा सेम आएगा, इसी से आपको डिवाइड कर देना, डिवाइडिंग जो इसके आगे आएगा उसी से डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कितने से 200 से। तो 200 से जब आप डिवाइड करोगे तो यहां हट जाएगा, यहां हट जाएगा, मतलब एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल यहां से दो जीरो से गया 2 5 10, ये आ जाएगा हमारा नया इक्वेशन थर्ड, क्या होगा थर्ड, सेम टू सेम। मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ दोस्तों, आपका कॉन्सेप्ट बोलता हूँ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब क्या करना है, सेम टू सेम जैसे प्लस के वैसे सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को हम लोग को किसमें से करना, सेकंड मतलब सेकंड वाले को पहले लिखना, 101x प्लस 99y इक्वल 501। फर्स्ट वाला हमारा क्या 99x प्लस 101y इक्वल 499 माइनस माइनस माइनस। अब देखो इसमें से माइनस करोगे 99 100 101 मतलब 2x, यहां पर देखो माइनस है, अब 99 में से 101 माइनस होगा तो माइनस 2y इक्वल, इसमें से माइनस करोगे तो 400 में एक जोड़ोगे कितना आ जाएगा 500, 500 मतलब 2 आएगा। अब सब में देखोगे 2 सेम आया, सबकी बात छोड़ो इक्वल के इस साइड वाला x और y का सेम आएगा और इसी सबको डिवाइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो यहां यहां सबसे हट जाएगा तो x माइनस y इक्वल 2। तो दोस्तों 2 नहीं 1, कितना 1, ये नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, कहां तक बना थर्ड फोर्थ। मैं आपको क्या बोला, दो इक्वेशन नया आपको मिल गया, क्या मिल गया, एक आपको मिल गया x प्लस वाई इक्वल 5 और एक x माइनस वाई इक्वल 1 हो गया। ये हमारा क्या है थर्ड है, ये आपका क्या है फोर्थ है। ये दोनों को सॉल्व करो दोस्तों, सबसे सिंपल दिखेगा आपको, इतना सिंपल, ऐड कर दोगे अभी एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, जब ये दोनों का प्लस कर दोगे कितना आएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं 2x, एक कट जाएगा 6 हो जाएगा, 3x का वैल्यू 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, 2 से उस साइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा 3 का। हम लोग को क्या करना है, इस x का वैल्यू इक्वेशन आप ऊपर नहीं रखेंगे, दोनों से x मिला है तो इसी में रखो, मैं किस में रख देता हूं x इक्वल पुटिंग x इक्वल टू किस में 3 इक्वेशन किस में रख देता हूं थर्ड में रख देता हूं, किस में थर्ड में, जब थर्ड में रख देंगे तो थर्ड हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर 5, तो 3 प्लस वाई इक्वल 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 3 y इक्वल टू 2, तो आपका आंसर मिल गया ना, क्या मिल गया x कॉमा y, x का वैल्यू 3 और 2 y का 2, ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा दोस्तों। मैं आपको क्या बोला, अगर अगर जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो में कंटिन्यू बने होंगे तो दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ 1.1 आपका पूरा कंप्लीट हो गया, 1.1 से पहले जो सॉल्व एग्जांपल दिया वे भी आपका कंप्लीट हो गया रहेगा, बस इतना अगर वीडियो आप देख क्लियर हो गए ना तो भी आपका 1.1 पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट है। अब इसके बाद अब देखोगे उसके बाद हम लोग को ग्राफ दिया दोस्तों, ग्राफ दिया है, ग्राफ के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एक आपको जो बॉक्स है मैं वो बॉक्स बता दे रहा हूँ, बॉक्स बता दे रहा हूँ और नॉर्मल, अभी ग्राफ का तो ऐसा है नहीं कि ग्राफ में इस पे आपको करूँ, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ 1.2 का, ये लिख क्लियर हो गया, इसको रब कर रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लिए ना दोस्तों, बोलता हूँ 100% आपका पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ग्राफ का है तो ग्राफ का टेंशन लो मत, उस पर अच्छी तरीके से मैं सेपरेट भी वीडियो बनाऊंगा, अभी 1.1 होगा 1.2। 1.2 में देखो ग्राफ में क्या है कि हम लोग को कुछ बॉक्स दिया है, जैसे उस बॉक्स में हम लोग को भरना है, बॉक्स वाला ही एक बता देता हूं आपको, जैसे हम लोग को क्या दिया है x प्लस वाई इक्वल 3, अब इसमें हम लोग को बॉक्स दिया है,
अभी इसमें हम लोग को क्या दिया है, एक एक्स दिया है और एक वाई दिया है, एक्स कॉमा वाई इतना हो गया। अब इसका देखो यहाँ 3 दिया है, यहाँ नहीं दिया, अब फिर उसके बाद यहाँ 5 दिया है, यहाँ नहीं दिया, इतना दिया। और इसके नीचे भी देखोगे 3,0 और फिर यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ नहीं, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 0,3 लिखा। अभी हम लोग क्या करें, एक क्वेश्चन ही बता रहा हूँ और एक ग्राफ कैसे बनाएंगे पूरा ग्राफ ही आपको बता दे रहा हूँ, इस पे आप समझ लो, क्लियर हो जाएगा आपका। देखो अभी यहाँ पर 0 दे दिया तो मतलब पहला वाला हमारा एक्स होता है, दूसरा हमारा वाई, मतलब वाई के टर्म्स में क्या आएगा, यहाँ क्वेश्चन में दे दिया तो मतलब 0 एक्टिविटी में आ सकता है दोस्तों, आपको बोल रहा हूँ। यहाँ 5 दिया बट न तो यहाँ कुछ दिया न तो कुछ याद दिया, अब क्या करेंगे जाने दो। यहाँ हम लोग का क्या दिया, 3 दिया बट यहाँ 0 दिया, तो यहाँ हम लोग को क्या आ जाएगा, 0। बट इसमें क्या करे तो ये y का वैल्यू दिया, y का वैल्यू इसमें रखो, x प्लस वाई बराबर 3, वाई की जगह 5 रखोगे तो उधर जाएगा, तो x इक्वल टू 3 माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 2 कितना आ जाएगा, x का वैल्यू माइनस 2, मतलब जो इक्वेशन दिया रहता है उसमें एक वैल्यू अगर आपको दिया है तो उसमें रख दोगे दूसरे का वैल्यू माइनस 2, मतलब कितना आ जाएगा -2,5। तो आपका क्या हो गया, एक्टिविटी हो गया सेम टू सेम। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये वाला आप एक्टिविटी भर ली, एक्टिविटी भरने के बाद आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है, कैसे करना, अभी एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें एक्टिविटी भी नहीं दिया, सब वैल्यू अपने से लेकर आपको क्लियर बता रहा हूँ, ग्राफ भी बता रहा हूँ, बस आपको क्या करना है ध्यान से देखते रहो। ये वाला तो आपको एक्टिविटी दिया है, आपको समझ में आ रहेगा थोड़ा, बट अभी जिसमें खाली क्वेश्चन दिया है आपको क्या करना है, सब ग्राफ सेम टू सेम है, कुछ भी तकलीफ होने वाला नहीं है, बट मैं आपको फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल 6, दूसरा हम लोग को क्या दिया, एक्स माइनस वाई इक्वल 4, यही दोनों दिया है। अब ये दोनों को हम लोग को बॉक्स बनाना पड़ेगा, अब बॉक्स बनाना है तो सबसे पहले मैं एक्स प्लस वाई बराबर 6 का बनाता हूँ। अब इसमें हम लोग को ऐसा बनाना रहेगा, एक कॉलम एक्स का, एक कॉलम वाई का, एक कॉलम एक्स और वाई का, हो गया इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, बस एक्स का देखो 3 से 4, मैं तो बोलूंगा 4 बना लो, कितना 4 कॉलम बना लेने का, 1 2 3 4। अब इसे सेकंड वाला भी बनाएंगे, फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया तो सेकंड वाला आप आराम से अपने से भी कर सकते हो। अब क्या करेंगे, जैसे एक्स प्लस वाई दिया, क्या दिया, एक्स प्लस वाई बराबर 6, अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, मैं ध्यान से देखो, एक्स का वैल्यू आप अपने से लेट करो, वाई का वैल्यू निकल जाएगा, जैसे अपने से करना है, हम लोग लेट कर लेते हैं, अगर एक्स इक्वल टू 1 क्या कर लेते हैं, एक्स का वैल्यू 1 ले लिए तो हम लोग को क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो 1 उधर जाएगा तो y इक्वल टू 6 माइनस 1 y इक्वल टू 5। हम लोग क्या किए, x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू कितना है 5, 1,5 मिल गया। x का वैल्यू अगर हम लोग x का वैल्यू 2 रखते, क्या रखते हैं 2 रखते, तो फिर ये क्या हो जाएगा 2 प्लस y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 में से 2 उस साइड जाएगा माइनस होगा 4 आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा 4, अगर हम लोग x का वैल्यू 2 रखते क्या आएगा 2,4। अगर हम लोग x का वैल्यू 4 रखते, क्या रखते 4 रखते, तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो हमारे इक्वेशन में 4 प्लस y बराबर 6, तो y इक्वल टू 6 माइनस 4 y इक्वल टू 2। अगर हम लोग x का वैल्यू 4 रखते तो y का वैल्यू कितना आता है 2, 4,2, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग का जो फाइनल है मतलब लास्ट में, अभी इसमें और कुछ भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, बट मैं एक ही चीज बोलता हूँ, थोड़ा एक लिमिट में नंबर है, 2, 4, 6, 8, 8 तक रहे, 10 तक रहे तो अच्छा है, मतलब जो ग्राफ बनाओगे आप ना तो छोटे में बन जाएगा, ज्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा तो आपको तकलीफ होगा उस ग्राफ को बनाने में, छोटा छोटा देखो 1, 2, 4, 5, 4, 2 आ रहा है, एकदम सिंपल सिंपल आ रहा है। अभी अगर मैं x का वैल्यू क्या रख लेता हूँ, 6 रख लेता हूँ, सपोज मान लो x का वैल्यू 6, तो हमारा क्या है 6 प्लस y इक्वल टू 6, तो उधर जाएगा तो y इक्वल टू 6 माइनस 6 y इक्वल टू 0। अगर हम लोग का x का वैल्यू 6 है तो y का वैल्यू कितना है 0 है, 6,0, ये क्या हो गया, हो गया। अब सेम टू सेम ये ऐसे ही सेम टू सेम दूसरा बॉक्स भी बनेगा, दूसरा बॉक्स भी बना देता हूँ मैं आपका, दोनों बनाकर और ग्राफ भी प्लॉट करा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना दोस्तों। अब सेकंड वाला भी बॉक्स बनाना है तो इसे ही बनाना रहेगा, किसका, एक्स माइनस वाई बराबर 4 का, इसमें बस आप ध्यान से देखना, एक्स वाई x,y, इसमें क्या करना है 4 कॉलम, 1 2 4। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू कुछ भी रखो,
यक्स, अगर इसमें आप बोलो तो वाई का वैल्यू रख देता हूँ, वाई का वैल्यू जैसे यक्स माइनस वाई बराबर 4 दिया, मैं वाई का वैल्यू कितना ले लेता हूँ, 2। देखो प्लस 2 लोगे तो यहाँ पर माइनस उस साइड जाएगा प्लस होगा, अगर हम लोग माइनस 2 लेते हैं, अगर वाई का वैल्यू माइनस 2 तो ऑलरेडी 2 माइनस में था, देखो ए माइनस में था, ए भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस, एक्स इक्वल टू उस साइड जाएगा तो 4 प्लस 2, तो एक्स इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया उस साइड जाएगा तो क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस उस साइड गया तो माइनस 4 में से 2। अगर हम लोग वाई का वैल्यू क्या रखते हैं माइनस 2 रखते हैं तो हमारा एक्स का वैल्यू 2 आता है, मतलब 2 कॉमा माइनस 2 ये हो गया। अभी और अगर मैं वाई का वैल्यू क्या रखता हूँ, कुछ भी रख सकते हो आप अगर मैं वाई का वैल्यू -4 रखा, -4 रखा तो आप ध्यान से थोड़ा समझना, एक्स माइनस वाई है क्या है, यहाँ पर इक्वेशन है, यहाँ माइनस है मैं माइनस में रखा, माइनस माइनस प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, मतलब एक्स 4 माइनस 4 एक्स इक्वल टू 0। अगर मैं वाई का वैल्यू कितना रखा -4 तो एक्स का वैल्यू 0 आया, तो 0 कॉमा -4। अगर आप बोलो सर बार बार माइनस रख रहा, अगर मैं वाई का वैल्यू एक ही रखा है एक इधर इधर पे, अगर मैं वाई का वैल्यू 2 रख देता हूँ, कितना रख देता हूँ 2, वाई का वैल्यू अगर मैं 2 रखा तो एक्स का कितना आएगा, तो एक्स माइनस वाई बराबर 4, ध्यान से देखो एक्स माइनस और ये 2 रखा है इक्वल टू 4 उस साइड जाएगा तो एक्स इक्वल टू 4 प्लस 2 एक्स इक्वल टू 6, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, मतलब 6,2। अब अगर मैं और क्या रखूं, अगर वाई का वैल्यू मैं -5 रख देता हूँ, क्या रख दिया -5, अब देखो क्या होगा, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ए है एक्स माइनस वाई बराबर 4। अब इसको आप प्रॉपर एक सिस्टम से करना आपको क्लियर समझ में आएगा, अब इसमें क्या कर रहे हो वाई का वैल्यू -5 तो एक्स माइनस माइनस प्लस वाई तो 5 इक्वल टू 4 उस साइड जाएगा तो एक्स इक्वल टू 4 माइनस 5 तो एक्स बराबर -1। अगर आप वाई का वैल्यू -5 रखते हो तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा -1, मतलब -1,-5, ये आपका क्या हुआ दोनों बॉक्स बन गया। अब हम लोग को क्या करना है, बस ग्राफ पे प्लॉट करना, ध्यान से देखना आपका एकदम सिस्टम से, मैं ग्राफ भी बना दे रहा हूँ हर एक चीज, बस आपको देखोगे ना आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, टेक्स्ट बुक में एक ग्राफ भी एकदम अच्छे से बना हुआ है सिस्टम से आपको क्या करना है, एक देखो अभी मेरे पास स्केल नहीं है कुछ नहीं इतना बड़ा, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे आपको दो बनाना है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाता है, ये हमारा वाई एक्सिस, दो हो जाता है, सेंटर में हमारा 0 हो जाता है। अब अपने हिसाब से आप ले सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा एक्स का प्लस होता है इस साइड माइनस। अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों में सबसे बड़ा हमारा कितना 6 नंबर तक जा रहा है, तो मैं बोलता हूँ 7 तक ले लेते हैं, कितने तक 7, 5 + 6 = 7, कितने तक ले लेते हैं 7 तक, इस साइड भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -6 नहीं आए कहीं, 6 ही प्लस में है, कोई बात नहीं 6 कम ज्यादा भी ले सकते हो नो प्रॉब्लम। मैं देखो अभी आप बोलोगे सर आपका प्रॉपर सब एक जी, सर बार बार मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास अच्छे से ग्राफ बुक नहीं है, बट आप प्रॉपर करना आपको समझा रहा हूँ, इधर वाई का प्लस होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, इधर y का -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 हो गया। अब इतने के बाद हम लोग को स्केल लिखना पड़ता है, स्केल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्या लिखेंगे हम लोग स्केल ऑन बोथ एक्सिस, अब बोथ एक्सिस पे इस पे हम लोग को 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, याद रखना स्केल थोड़ा इंपॉर्टेंस इसके लिए होता है क्योंकि जब ग्राफ कोई साइन करता है तो उसको समझ में आ जाता है कि आप कितना कितना लियो, 1 सेंटीमीटर बोथ एक्सिस मतलब दोनों एक्सिस पे हम लोग क्या लिए 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिए। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इतना ही खाली ग्राफ में बनाना है, इसको अब इसमें रख देना, जैसे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आप ध्यान से देखो एक्स का वैल्यू कितना 1 है, कहां पर है प्लस में, यहाँ पर, वाई का वैल्यू 5 प्लस में, मतलब कहीं यहाँ से सीधा जाएंगे कहीं यहाँ पर, हो गया ये हमारा क्या हो गया 1,5 हो गया। अब दूसरा हम लोग का 2, एक्स पे 2 यहाँ पर है और 4 मतलब कहीं इसे जाकर यहाँ पर 2,4 हो गया। तीसरा हम लोग का 4,2 मतलब 4 प्लस में यहाँ पर 2 मतलब कहीं इसे यहाँ हो गया। चौथा हम लोग का 6,0, 6 हम लोग का प्लस में कहीं यहाँ पर है
जीरो यहीं पर है मतलब यहीं पर आएगा 6,0। ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट वाले बॉक्स का पूरा मैं अच्छे से भर दिया, इस लाइन को मिला दू। थोड़ा मेरा टेढ़ा है बट आप समझने की कोशिश करना। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 6, ये फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाला जब प्लॉट करो क्या है, 2, -2, x पे +2 y पे -2, मतलब कहीं यहाँ 2, -2। फिर क्या बोला, 0, -0, x पे यहीं पर है, -4 मतलब कहीं यहाँ 0, -2। तीसरा 6 x पे यहाँ पर है और फिर 2 y का, प्लस कहाँ पर है यहाँ पर, ए कितना 6,2 यहाँ पर। फिर -1, -1 यहाँ पर है, -5 मतलब यहाँ पर, अब इस लाइन को मिला दो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा एक यहाँ पर आया था, सर आप मिलाओगे आपका प्रॉपर मिलेगा, मेरा थोड़ा इधर उधर गया बट मिलाने की कोशिश किया हूं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ, ये हमारा इस लाइन पे जहां पर मिलेगा, ये कहाँ पर मुझे दिख रहा है, मेरे 5 पे, ये मेरे किस पे 1 पे, मतलब ये एक्स लाइन पे हमारे किस पे, x, y, x पे हमारे कितने दिख रहे 5 एंड y पे हमारे कितने दिख रहे 1, मतलब ये हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू 5 आ गया एंड y का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। दोस्तों बस इतना ही करना है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपका ग्राफ में बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। आपका ग्राफ क्या होगा पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, कैसा भी क्वेश्चन दिया रहेगा, बस आपको क्या करना है, ऐसा दो बॉक्स बना लेना, ऐसा भर देना, बाकी कुछ भी एक भी मार्क्स कटेगा। तो आपका जो भी था 1.2 वे भी क्लियर हो जाता है, बाकी सब प्रैक्टिस करो। दोस्तों जितने लोग वीडियो देख रहे हैं अगर उनको क्लियर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करना दोस्तों, और नहीं आ रहा है तो मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा, एक बार दो बार अच्छे वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करो, 100% बोलता हूँ दोस्तों आएगा। स्टूडेंट कमेंट करते सर मुझे नहीं आ रहा है, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बट एक से दो बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, सर आपको बोर्ड का एग्जाम देना है तो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इतना हो गया, अब 1.3, 1.2 तक कंप्लीट हो गया। अब 1.3 में अगर आप ध्यान से देखो, 1.3 में हम लोग को क्या दिया, 1.3 में हम लोग को डिटरमिनेंट्स निकालना है, बट मैं डिटरमिनेंट तुम ऐसा बताऊंगा, एक दिया है रूट वाला जो एग्जाम्पल में वे करा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत स्टूडेंट को तकलीफ होता है, और उसके बाद मैं आपका प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, उस प्रैक्टिस सेट में आपको दिया है कुछ क्वेश्चन जिससे आपका हर एक चीज क्लियर, जो कि बी इक्वल टू रूट में दिया है, रूट देख के, क्योंकि काफी स्टूडेंट रूट को देख के डर जाते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, जब भी कभी भी अगर इसे हम लोग को डिटरमिनेंट सॉल्व करना होता है तो क्या करेंगे, इसका इनटू इसमें करेंगे, इसका इनटू इसमें, बीच में माइनस, तो 2√3 × 3√3, बस इसका इनटू इसमें करना है, माइनस लगाना है इसका इनटू इसमें, मतलब 9 × 2, बस इतना करना है। 2 का इनटू 3 में करोगे 2 × 3 = 6, रूट का रूट में सेम नंबर है इनटू होगा तो क्या आ जाएगा, √√3, -9 × 2 = 18, 6 × 3 = 18, -18 = 0, ये आपका क्या हुआ सर, सॉल्व हो गया। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ सिंपल, अभी आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको नहीं सॉल्व कराऊंगा। इसका जो क्रैमर रूल, एक सुने रहोगे नाम, क्रैमर रूल से क्वेश्चन सॉल्व करना है, अभी तक में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहेगा कि जो नहीं पढ़ रहा होगा, क्लास 10 है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलता है सबका। तो एक होता है हम लोग को, तो हम लोग थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिए रहेंगे, तो क्रैमर रूल से पेज नंबर 13 पे आपको दिया है, क्रैमर रूल से क्वेश्चन दिया रहेगा। सबसे पहले हम लोग को ax + by = c इस फॉर्म में करना है, एंड उसके बाद हम लोग को डी निकालना है, dx निकालना है, dy निकालना है, और उसके बाद हम लोग को x एंड y, मैं इधर पे लिख दे रहा हूँ, हम लोग को सबसे पहले किसमें करना रहता है, ax + by = c इस फॉर्म में करना है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, डी निकालना है, dx निकालना है एंड dy फाइंड करना है। इतना करने के बाद फिर इसके बाद हम लोग को ax निकालना एंड y फाइंड करना है। तो ए इसका एक x और y का फॉर्मूला है, x निकालने का फॉर्मूला होता है dx upon d
एंड वाई निकालने का फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी, ये हमारा होता है। अब इसके बाद इतना ही करना है हम लोग को, अगर हम लोग को क्रैमर रूल से क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है तो बस नॉर्मल इतना ही करना है। तो आप इसको समझो, बस क्या करना है हम लोग को, पहले इस फॉर्म में फिर ऐसा निकालना है, फिर ऐसा फॉर्म में दिया रहता है नॉर्मल, कभी कभी आगे पीछे दिया, फिर हम लोग क्या करेंगे बना लेंगे। तो जैसे आप देखोगे तो आपके पास कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है, बट मैं स्टार्टिंग में बोला सॉल्व एग्जाम्पल, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, बट अभी मैं आपका प्रैक्टिस सेट जो है 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट करा दूंगा, जिससे आपका 1.3 भी पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला क्या दिया है, अभी इसमें पहले मार्कर में इंक डाल देता हूं, अभी बस आपको क्या करना है, जितना भी मैं बता रहा हूं आपको बस प्रैक्टिस करना, एक बार प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना तो आप कभी भूलोगे भी नहीं। गर्मी बहुत हो रहा है, अभी देखोगे 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर, दोस्तों एकदम सिंपल, अभी जो मैं बताया ना बस वही करना है। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिल इन द क्या लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डेटा, वे भी सिंपल, बट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सर बोलो थर्ड करा रहे हो, सर थर्ड में क्या बोला, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल, क्रैमर रूल से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो डिटरमिनेंट निकालना ही पड़ेगा ना, डी निकालना ही पड़ेगा, इसके लिए बोल रहा हूँ एक कर लेंगे सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, 3x-4y=10 ये दिया है, दूसरा हम लोग को क्या दिया है 4x+3y=5 ये दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों ये आपको क्वेश्चन दिया है, बस ये दिया है 4x+3y=5 और 3x-4y=2, ये आपको दिया, इसमें इक्वेशन 1 और 2 लेना नहीं, पहले इस फॉर्म में दिया है, हाँ दिया, नहीं दिया रहता आगे पीछे रहता तो हम लोग करते। अब हम लोग को क्या निकालना है, ये तीन चीज फाइंड करना है। तो सबसे पहले डी निकालेंगे, तो दोस्तों बहुत स्टूडेंट का कमेंट आता है, सर मुझे यही तो कंफ्यूजन है, यही कंफ्यूजन आप कैसे निकाले, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको डी निकालना है, डी निकालने के लिए इक्वल को उस साइड मत जाओ, एक्स और वाई को ध्यान से देखो, एक्स के आगे वाला टर्म्स क्या है 3 और 4, 3 और 4 लिख दो, वाई के आगे क्या दिया -4 और 3 लिख दो, हो गया बस कंप्लीट, ये हमारा क्या हो गया डी हो गया। डी को सॉल्व करो, अब कैसे करेंगे, मैं क्या बोला इसका इनटू इसमें 3 × 3 माइनस इसका इनटू इसमें, नीचे वाले का इनटू मत करना सर बार बार, इसका इनटू इसमें -4 का इनटू 4, 3 × 3 = 9 -4 × 4 = -16 और -16 अब आंसर कितना आ जाएगा 16 और 9 कितना हो गया 15 × 2 = 25 ये हमारा क्या हो गया डी निकल गया। अब डीएक्स निकालेंगे, डीएक्स के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है सर, जब हम एक्स निकालते हैं तो एक्स के सामने वाले नंबर को नहीं लिखने का, किसको लिखने का, इक्वल टू के उस साइड वाला 10 और 5 हो गया, बस आप याद रखना ये जो आपको मैं बॉक्स बना रहा हूं, पहला हमारा क्या होता है, अगर बॉक्स ना समझो अगर आपके जैसे, पहला हमारा एक्स होगा दूसरा वाई फिर सॉरी पहला एक्स वन फिर एक्स टू ए वाई वन वाई टू, जब एक्स निकालोगे तो एक्स की जगह पे हम लोग को सी वाला लिखना पड़ेगा C1 C2, और जब वाई निकालेंगे तो वाई के जगह C1 C2 लिखेंगे। तो अभी इसके लिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एक्स निकाल रहे हैं, तो सी वाला टर्म्स मतलब इक्वल टू के उस साइड 10 और 5 लिख दिया, हमारा वाई के टर्म्स क्या है -4 और 3, इसको निकालो 10 का इंटू 3 10 × 3 = 30 माइनस यहाँ पर माइनस है तो +4 × 5 = 20 = 30 20 50 आ गया ना आपका डिटरमिनेंट, क्वेश्चन सेकंड भी सॉल्व हो रहा है, बस यही करना है। डीवाई निकालना है, डीवाई में हम लोग को क्या करना है, वाई निकाल रहे हो तो पहले एक्स वाला टर्म्स लिखो 3 और 4 और वाई की जगह हम लोग को 10 और 5, बस इसका कॉन्सेप्ट याद रखना आपको सब समझ में आएगा, 3 × 5 = 15 -10 × 4 = 40। अब आप माइनस करो 40 में से 15 को माइनस 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, बट किस में -25,
हमको क्या करना था सर, मैं आपको बोला इसको फाइंड किया, इसको निकाला, इसको निकाला, मतलब पहला डी फाइंड हुआ, फिर डी एक्स डी वाई। अब हमको क्या निकालना है, एक्स एंड वाई। तो एक्स का फॉर्मूला हमको मालूम है, डी एक्स अपॉन डी, एंड वाई का भी फॉर्मूला मालूम है, डी वाई अपॉन डी। अब हमको वैल्यू भी मालूम है, डी एक्स का कितना आया है 50, अपॉन हमारा कितना, डी का वैल्यू कितना आया है 25। अगर 25 से आप काट दे तो 25 दूना 50। डीवाई का वैल्यू कितना, -25 अपॉन 25, ए कट जाएगा 25 में माइनस, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों एक्स कॉमा वाई इक्वल टू कॉमा -1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आपको क्या निकालना, बस एक्स और वाई, बट कौन से मेथड से, क्रैमर रूल से, मैं आपको बता दिया। उसमें का अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना होगा तो भी इसी हिसाब से करना है आपको, कुछ भी क्रैमर रूल से। इतना अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, 1.1 भी आपका दोस्तों क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बस खाली याद रखना, सबसे पहला काम हमको इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिख के डी डी एक्स डी वाई निकालना है। डी निकालोगे तो इक्वल टू कुछ साइन नहीं जाने, कुछ से पहले वाला 3 और 4 लिख दिया, माइनस में जो रहेगा लगा भाई लिख देना इसको, इसका इनटू इसमें माइनस रहता है आपका, और वापस से माइनस दिया। देखो एक मैं भी डिटेल में सॉल्व किया, उसके बाद इधर डायरेक्ट कर दिया। ऐसा भी करोगे मार्क्स आपका कटेगा नहीं, ऐसा नहीं बोला कि आपको डिटेल में करना। अगर हाँ आपको खाली एक डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो मैं बोलता हूँ डायरेक्ट मत करना, तब ऐसा दिखा देना, तो आपका क्या हो गया 1.3 भी कम्प्लीट हो जाता है। इसको आप लिख लो, रब कर दे रहा हूँ अभी, क्या है ना आपका 1.3 तक, अभी तक अगर आप पूरा क्लियर वीडियो देखते रहोगे तो आपका 1.3 तक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। अब हम लोग 1.4 में, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सर बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। मैं उसको बता रहा हूँ ना, आप खाली ध्यान से देखो, आप अगर ध्यान से देखो ना आपको 100% बोलता हूँ 1.4 तो और इजी होगा। उसमें बहुत स्टूडेंट डरते, अरे सर बहुत हार्ड है, मैं बोल रहा हूँ ना बस आप क्या करो वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहो। 1.4 में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज दिया है, उसमें एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दिया है, तीन एग्जाम्पल दिया, बट मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ। अगर आप कमेंट करोगे नहीं सर मुझे एग्जाम्पल का भी वीडियो बनाओ, मैं बोलता हूँ एक एक एग्जाम्पल का भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको इसे, अभी तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, पहला चैप्टर पूरा अच्छे से आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ सर मेरा भी पहला चैप्टर होगा। कुछ क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करो, सेपरेट उस क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा। अभी जैसे इसमें भी हम लोग को क्या बोला, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, बट मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आप अगर बोलोगे मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, बट इसमें आप देखो 2 अपॉन x - 3 अपॉन y = 15 ये दिया है, और दूसरा हम लोग को क्या दिया है 8 अपॉन x + 5 अपॉन y = 77, यही दोनों दिया हम लोग को, x और y का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग को क्या करना है, बस ध्यान से देखना, अभी तक में हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे साइमल्टेनियस 1.1 का, नॉर्मल एक लाइन में दिया था, दूसरा किए ग्राफ वाला कुछ बॉक्स बनाए, तीसरा किए क्रैमर रूल से, सब में एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए, चौथा कर रहे हैं इसमें, बट इसमें अपॉन में दिया है और दोनों एक्स और वाई नीचे दिया, इसमें हम लोग क्या करेंगे कुछ चीजें कॉमन लेंगे। अभी अगर इसमें से मैं लेट कर लेता हूँ, लेट 1 अपॉन x = a ले लिया एंड 1 अपॉन y = b ले, जब लेट कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है और यहाँ ये, तो मिल जाएगा 2a - 3b, क्या हो जाएगा 3b = 50। ये सर नया इक्वेशन बनेगा आपका, ये फर्स्ट था, ये आपका सेकंड था, ये नया इक्वेशन बनेगा थर्ड। सेम टू सेम यही काम हम लोग इक्वेशन सेकंड में अगर करेंगे, यहाँ से x निकल गया, यहाँ से y निकल गया, यहाँ क्या बचेगा 8a + 5b = 77, इक्वेशन 4 ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अभी तक क्या किया, बस इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे, देखो सिंपल मैं करके बता रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन करेंगे इक्वेशन थर्ड में 4 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय कितने से, 4 से। जब आप 4 से इंटू करो, 4 2 8a - 4 3 12b 15 4 16, कितना हो गया इतना। आपका ए इसके लिए किया है क्योंकि ये दोनों क्या हो गया सेम, 1.1 के जैसा नया इक्वेशन बन गया। फिर
अब अगर देखोगे फोर्थ और फिफ्थ में दोनों के एक है सामने वाला जो नंबर है सेम है, दोनों प्लस है, तो हमको क्या करना रहेगा, माइनस, क्या करना रहेगा, माइनस सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। किसमें, थर्ड को हम लोग किसमें कर दे, फोर्थ को हम लोग फिफ्थ में से कर दे, फोर्थ को फ्रॉम तो आपका फिफ्थ क्या है 8a माइनस 12b 16, ए क्या है 8a प्लस 5b इक्वल टू 76, माइनस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं भाई, इधर का 8 वाला कैंसल, ए बी माइनस ए बी, 12 और 5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17, बी बट माइनस में माइनस होगा तो देखो 7, 7 में से 1 6 जा 1, अब ये उधर जाएगा तो देयर फॉर बी वैल्यू माइनस 1 कितना आ जाएगा माइनस 1, नहीं यहाँ पर क्या आया था माइनस, तो माइनस माइनस से कैंसिल, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 1। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको यहां तक समझ में आ रहेगा, जिस हिसाब से आप 1.1 किए उसी हिसाब से निकाल दिया बी का वैल्यू, बी का वैल्यू अभी हम लोग किसमें भी रख देंगे इक्वेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसमें भी रख दो, मैं सिंपल आपको बोलता हूँ थर्ड में रख दो, पुटिंग बी इक्वल टू 1 इक्वेशन किसमें थर्ड में, थर्ड आपका क्या है 2a माइनस 3b इक्वल 15, 2a माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 15, 2a माइनस 3 इक्वल टू 15, 15 में 3 ऐड करोगे उस साइड आएगा तो 15 3 कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू 15 3 18, तो a इक्वल टू 2 9 जा 18, आपको क्या मिल गया a और b का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू b का वैल्यू इधर a का वैल्यू इधर, यही लाना था, नहीं सर आप कुछ लेट किए थे, क्या लेट किए थे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू करोगे आप रिटर्न 1 अपॉन x इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y इक्वल टू b, 1 अपॉन x का वैल्यू कुछ नहीं है, a का वैल्यू कितना है 9 एंड 1 अपॉन y इक्वल टू b का वैल्यू 1, आप जब इसका इनटू करोगे तो 1 इक्वल टू 9x फिर 1 इधर आ जाएगा, देयरफॉर आप लिख सकते हो 1 अपॉन 9, ये आपका किसका आ गया x का वैल्यू आ गया, इसका इनटू करोगे तो वही आएगा तो y इक्वल टू 1, ये आपका क्या आ गया, आ गया आंसर आ गया, तो आप लिख सकते हो x कॉमा y इक्वल 1 अपॉन 9 कॉमा 1, ये दोस्तों आपका क्या हुआ फाइनल आंसर 1.4 का, दोस्तों मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन करा दिया। दोस्तों आज अगर आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहोगे अभी तक में तो आपका 1.1 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, 1.2 का ग्राफ वाला जो भी था जो भी कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया रहेगा, 1.3 का क्रेमर रूल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, 1.4 में यही थोड़ा सा लेट करना और क्वेश्चन सॉल्व करना, दोस्तों बहुत लंबा वीडियो ना बने बट आपका क्या होना चाहिए हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, स्टूडेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, दोस्तों इसके लिए एसडी टेक पे हर एक वीडियो बनाए बट आपके लिए हम 1 से लेकर 1.4 तक, 1.5 में व्हाट प्रॉब्लम है दोस्तों उसका सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा, बट अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता रहेगा कि आपको समझ में आए तो आप कमेंट करना दोस्तों, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम रुके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने दोस्तों में शेयर करना, एंड दोस्तों और एक चीज बोलता हूँ अगर आपको और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करोगे एसडी टेक, दोस्तों आपके लिए हर एक चीज 2023 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ दोस्तों उसमें बहुत हेल्प किया, काफी स्टूडेंट को इस चीज के बारे में नॉलेज भी रहेगा पता भी, हाँ सर बहुत हेल्प किया, दोस्तों मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ अभी से आप मेहनत करोगे हर एक चीज तो आपका हर एक चीज क्या हो जाएगा स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है मैं एक ही चीज आपको बोल रहा हूँ बस जितना है मैं एक बार अभी वापस से आपका 1.1 से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको क्या है एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, बस एक ही चीज आपको बोलूंगा दोस्तों आप प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं है मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप खाली रट के रखो या पेपर में, हमको क्या करना है दोस्तों मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ हमको क्या करना है कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, अलजेब्रा ज्योमेट्री ए टू जेड दोस्तों आप बोलो तो सही, आप कमेंट करो आप वीडियो देखते नहीं बस थोड़ा सा देखोगे भाग जाओगे, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ 1.1 में एक बार वापस से आपका कॉन्सेप्ट ये तो हो गया, एक बार मैं इसको रफ करके 1.1 से 1.4 तक का 5 मिनट में आपका क्या करा रहा रिवाइज करा दे रहा हूँ, उसके बाद दोस्तों बस एक बार आपको क्या करा रहा हूँ रिवाइज करा दूंगा जिससे ऐसा आपका लास्ट में अगर जो भी थोड़ा भी कॉन्सेप्ट बचा रहेगा वे भी क्लियर हो जाएगा, कैसे कैसे करना फटाफट एक बार वापस से करा दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप पूरा लास्ट वीडियो देखे रहोगे तो आपको समझ में आ ही गया रहेगा, बट मैं एक बार वापस से आपका क्लियर करा दे रहा हूँ, बट दोस्तों एक ही चीज याद रखना अभी से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट एसडी टेक क्लियर करा कर देगा, ऐसा नहीं है दोस्तों अभी देखोगे बहुत सारा वीडियो पढ़ा है जिससे बहुत स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट हुआ, अभी देखो दोस्तों 1.1 1.2 1.3 1.4 ये चारों में प्रैक्टिस सेट करा है, 1.1 में हम लोग क्या किए, 1.1 में दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ अभी एकदम माइंड एकदम शांत करके सुनना,
1.1 में क्या किए, तो हम लोग को कोई भी क्वेश्चन दिया 1.1 की बात करो, जैसे ax, ax नहीं मैं क्वेश्चन ले, ax प्लस 3y इक्वल टू 2, और ये हम लोग को 2x माइनस 5y इक्वल टू 3, ऐसा कुछ भी दिया है, तो हम लोग को क्या करना है, एक क्वेश्चन देखो 1.1 में तीन टाइप से था, या तो हमको x के सामने सेम करना है, या तो y के सामने का, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो इसके, सेम करना है। अगर हम लोग को कभी दोस्तों ऐसा दिया, यहाँ कुछ नहीं दिया, तो हम लोग 5 से इसमें इंटू कर देंगे, तो नॉर्मल सेम हो जाएगा, बट कभी कभी दिया, सब जगह दिया, तो हम लोग को क्या करना है, 2 से इक्वेशन फर्स्ट में इंटू करो, यहाँ 10 हो गया, 5 से इक्वेशन नीचे कर दो, ऐसा नहीं कि इसका इंटू करो इसमें, फिर इसका इसका इंटू इसमें करो कुछ हो जाएगा, फिर इसका इंटू इसमें करो कुछ हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा, आपको इसको करना है तो इसको करो, आपका क्या हो जाएगा, दोनों दोनों आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स, क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। एक नॉर्मल हम लोग को 1.1 में दिया था, क्वेश्चन नंबर 1.1 के 6 में दिया था अपॉन में, जब कभी भी अपॉन में देगा तो हम लोग को क्या करना है, एक मिनट बता रहा दोस्तों, जब कभी भी मैं आप जब कभी भी दोस्तों मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा दिया तो आप तो कर लिए, बट अगर अपॉन में कोई चीज दिया है तो उसको हम लोग को क्या करना है, डिवाइड में दिया है तो इनटू कर दोगे, कट जाएगा और ऐसे इक्वेशन बन जाएगा और आपको सॉल्व करने आता है। दूसरी बात, अगर हम लोग को एक और टाइप से 1.1 में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि 3x + 5y = 2, मैं अपने से एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, 5x + 3y 6, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे x के सामने जो नंबर है वही सेकंड वाले में y के सामने, जो हमारे y के सामने वही हमारे सेकंड के x, ऐसा दिया रहता है तो हम लोग को एक बार क्या करना रहता है, प्लस करना रहता है, एक बार क्या रहता है, माइनस करना रहता है। जब प्लस करोगे तो एक नया इक्वेशन बन के मिलेगा, और जब माइनस करोगे एक नया इक्वेशन मिलेगा, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जाकर आपको फाइनल एक्स और वाई मिलेगा, ये आपका क्या होगा 1.1 में, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं। दोस्तों एक चीज अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा बताना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ, स्टूडेंट का माइनस प्लस में बहुत डाउट होता है, अगर जो सेम की जो सेम हो गया, अगर सपोज मान लो हमारा वाई का टर्म सेम हो गया, दोनों जगह पे प्लस दिया, तो हम लोग को क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है, सब्ट्रैक्ट करना रहता है। अगर जो सेम हो गया, मान लो x सेम हो गया, दोनों जगह पे माइनस दिया, तो भी हमको क्या करना रहता है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस करोगे तो माइनस होगा कट जाएगा। अगर आपका सेम हो गया, मतलब x और x सेम हो गया, बट एक प्लस में दिया एक माइनस में, जो सेम हो गया वे एक प्लस में एक माइनस में, एनी टाइम हम लोग को क्या करना रहता है, प्लस, क्योंकि कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो 1.1 में इससे ज्यादा नहीं है। अब इतना अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1.1 आपका कंप्लीट। 1.2 में मैं आपको क्या बोला, 1.2 में क्लियर आपको क्या करना है, बस ग्राफ का बॉक्स, एक 1.1 आपका हो गया, 1.2 में मैं क्या बोला, बस आपको क्या करना है, जो बॉक्स दिया उस बॉक्स को हमको प्रॉपर क्या करना, भरना, एक का वैल्यू उसमें रखना है, दूसरे का वैल्यू हमको मिल जाएगा। आप क्लियर देख रहोगे, बस जो इक्वेशन दिया एक्टिविटी फॉर्म में भी पूछेगा तो एक का दिया रहेगा, उस वैल्यू को हम लोग को रखना है, दूसरे का वैल्यू मिल जाएगा, बस ग्राफ प्लॉट करना है, जो भी इसके लिए हो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, जो भी है बोथ एक्सिस लिख के बस करके लाइन मिलाना, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब अगर इधर इधर आप किए जहां पर मिलेगा तो x का y का टर्म देख लेना, x का वैल्यू x हो जाएगा, y का वैल्यू y हो जाएगा, बस यही करना रहेगा, हमारे x और y का वैल्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा 1.2 था। 1.3 में दोस्तों मैं आपको क्या बोला है, बस क्रैमर रूल, मैं क्या बोला, 1.3 में हम लोग को क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। सबसे पहली बात हम मैं बताया आपको, ax + by = c इस फॉर्म में बनाना है, क्या 1.3 का, इतने फॉर्म में बनाने के बाद हम लोग को क्या करना है, डी निकालना है, और फिर उसके बाद डी एक्स निकालना है, फिर उसके बाद डी वाई निकालना है, ये तीन चीज निकालना है, डी निकालना है, डी एक्स निकालना है, डी वाई निकालना है, तीनों चीज जब फाइंड हो जाएगा तो हम लोग को क्या निकालना है, एक्स निकालना है, और फिर क्या निकालना है, वाई। एक्स का फॉर्मूला मैं बोला दोस्तों डी एक्स अपॉन डी, एंड वाई का फॉर्मूला बोला दोस्तों डी वाई अपॉन डी, ये हमारा क्या हो गया, एक्स एंड वाई का फॉर्मूला हो गया, क्रैमर रूल से यही करते हैं दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपको देखो डी निकालना है, सपोज अगर आपको 3/5 दिया है, 2/4 दिया है, इसका इंटू इसमें करो
मतलब 3 का इंटू 4 में करो जो भी है, माइनस इसका इंटू इसमें मतलब 2 इंटू 5। बहुत स्टूडेंट है 5 इंटू 2 में कभी कभी मिस्टेक हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए बोल रहा हूँ। जो मेथड है जिस हिसाब से किया जाता है, इसका इंटू इसमें आप करो, फिर इसका इंटू इसमें करो, बीच में माइनस रहता है। अगर आपको इसमें माइनस दिया है तो माइनस, बहुत स्टूडेंट है इसे माइनस कर देते हैं, गलत हो जाएगा, इसको इसे ब्रैकेट में लेकर तो इसका इंटू करके फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसको सॉल्व कर दोगे तो आपका जो भी वैल्यू रहेगा डी निकल जाता है। बट डी लिखेंगे कैसे, तो आपको जो दो इक्वेशन दिया है 3x + 5y = 2, 5x + 6y = 4, तो हम लोग का जो x से सामने रहता है उसको इधर लिखने का, फिर जो y के सामने रहता है उसको इधर लिखने का, तो हमारा d फाइंड हो जाता है। बट मैं भी आपको बताया, अगर हमको क्या निकालना है, x निकालना है, क्या निकालना है, x निकालना है, तो x की जगह ए हमारा x है, ये हमारा y है, तो x निकाल रहे तो x की जगह x नहीं रखेंगे, ये हमारा c वाला टर्म से जो है उसको x पे रखेंगे और जब हम लोग y निकालेंगे तो x वाला टर्म से लिखने का y वाले टर्म्स की जगह हम लोग c वाला टर्म्स लिख देंगे और उसको भी सेम टू सेम ऐसे सॉल्व करके निकालेंगे, तो हमारा d निकल जाएगा, dx निकल जाएगा, dy, x निकालने का फॉर्मूला dx अपॉन d, y निकालने का फॉर्मूला dy अपॉन d। बस इतना कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। 1.3 में हो गया, 1.4 में अगर देखोगे, 1.4 में अभी इसको रब कर रहा हूँ मैं, क्लियर आपको हर एक चीज कॉन्सेप्ट वापस से पूरा इतना अच्छे से बताया, उसके बाद वापस से आपका पूरा कॉन्सेप्ट 1.3 तक कंप्लीट किया। 1.4 में आपको कुछ भी अपॉन में दिया, 1.3 हो गया, 1.4 भी हो ही गया, उसमें क्या होता है कोई भी चीज अपॉन में दिया रहता है पहले उसको लेट करना रहता है, और लेट करने के बाद मैं आपको क्या बोला, अभी जैसे एक दिए थे कोई भी चीज, अगर हम लोग को 3 अपॉन x - 5 अपॉन 4 दिया = y = c, तो हम लोग को क्या करना है, देखो ऊपर से नहीं नीचे, और एक चीज नोटिस आप करोगे, अगर आप अभी तक में कोई भी क्वेश्चन किए, अगर सपोज आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें देखो क्वेश्चन सेकंड में 1 अपॉन x + y कॉमन निकल जाएगा, आप ध्यान से देखोगे 1 अपॉन क्या निकल जाएगा, मैं इसे एक बार लिख भी दे रहा हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट तो आपका कराई दिया, क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया 10 अपॉन x + y इसको क्या दिया है प्लस ऐसा 2 अपॉन x - y, अगर आप ध्यान से देखोगे इक्वल टू क्या है 4, 15 अपॉन x + y -5 अपॉन x - y = -2। आप नोटिस करोगे नीचे एक्स प्लस वाई है, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई है, यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई, अगर हम लोग 1 अपॉन x + y अगर लेट करेंगे, ए कर लिए इधर से 1 अपॉन x - y लेट कर लिए, बी कर लिए, तो ये दोनों से हमारा नया इक्वेशन बनेगा, और नया इक्वेशन बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे उसको सॉल्व करोगे, जब ऐसा रहेगा तो सर जब आप रिटर्न जब वैल्यू रखोगे तुरंत सॉल्व नहीं होगा, तुरंत क्या होगा सॉल्व नहीं होगा, उसको भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इसको करने के बाद तब आपका जो नया इक्वेशन रहेगा, अभी पहला वाला किया है तो उसमें वैल्यू फटाक से सॉल्व होगा, बट इसमें नहीं हो पाएगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपको नया इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन को सॉल्व कराओगे तब जाकर आपका क्या होगा नया कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा जो भी वैल्यू रहेगा एक्स और वाई का मिल जाएगा। तो मैं आपको क्या बोला दोस्तों कि अगर अगर आपको और लगता है 1.4 का सर सेकंड कराओ, थर्ड कराओ, फोर्थ कराओ, या 1.3 का, या 1.1 का, या 1.2 का कोई भी क्वेश्चन सर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट करो। बट दोस्तों मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, पूरा लास्ट तक वीडियो देखो, 1.1 से लेकर 1.4 तक पूरा अच्छे से किया, अगर आपको सॉल्व एग्जाम्पल चाहिए उस पर भी आप बोलो दोस्तों, आपको 100% वीडियो मिलेगा तो एसजी टैग पे दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा रहेगा तो चैनल पे फर्स्ट टाइम मेरे को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने दोस्तों में शेयर करना दोस्तों, और उससे पहले खुद प्रैक्टिस करना, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना।